अरे बात करते हैं बिहार की, जहां पुलिस को मदनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सहिया पहाड़, करीबा डोभा, लड्डया पहाड़, बंदी, अजनवा पहाड़, मुर्गीडी, बांसडी, चकरबंधा के जंगली क्षेत्रों तथा आसपास के क्षेत्रों में 12 से 15 नक्सलियों के घूमने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद कांतेश कुमार मिश्रा एवं संदेष्टा 205 कोबरा बटालियन के संयुक्त निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक अभियान औरंगाबाद अपर पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद के नेतृत्व में जिले में कार्यरत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 47 वाहिनी, 205 कोबरा वाहिनी एवं मदनपुर पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा मदनपुर थाना क्षेत्र में अंतर्गत चकरबंधा के जंगली क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया गया। वहीं अभियान के दौरान इन क्षेत्रों से माओवादियों के जीवन यापन का सामान मिला, जैसे कि दाल, चावल, आटा, तेल, खाद्य पदार्थ बरामद किए गए, जिसके बाद में उसे नष्ट कर दिया गया। साथ में ही अवैध विस्फोटक भी बरामद हुए हैं, जिसमें एक देसी मोर्टार, एक एयरगन, राइफल, 3 बैनर तथा 10 तीर बरामद किए गए हैं। वहीं बरामद सामानों की सूची तैयार कर उन्हें थाने पहुंचाया गया। इस संबंध में मदनपुर थाना में भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत मामले को दर्ज किया गया है, जिसके बारे में पुलिस पदाधिकारियों ने समाहरणालय स्थित सभागार में संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके चलाए गए अभियान के संबंध में और बरामद की गई चीजों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान कहा गया कि छापामारी अभियान के फलस्वरूप नक्सलियों का मनोबल भी गिरा हुआ है और नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार छापेमारी के अभियान किए जा रहे हैं। इसके अलावा सभागार में उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 जुलाई को 15, 8 जुलाई को 20, तो वहीं 9 जुलाई को 8, 10 जुलाई को 4, 11 जुलाई को 5, 12 जुलाई को 25, तो 13 जुलाई को 10, 14 जुलाई को 23 तथा 15 जुलाई 2022 को 12, कुल मिलाकर 122 प्रेसर आईडी बरामद किया गया है। वहीं कुल 548 सीरीज आईआईडी बरामद किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।